मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से साधु साधु ये सूत्र उपदेश का नाम है आसि विशोपम सूत्र। क्या नाम है? आसि विशोपम सूत्र। आसि विशोपम सूत्र जहरीला चार प्रकार की सांप के बारे में बताया गया सूत्र उपदेश। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ति जेतवन आश्रम में ये उपदेश दे दिए। उन्होंने बताया भिक्षु बहुत खतरनाक जहरीला चार सांप है। आसिविषा, आसिविषा मतलब बहुत खतरा विष है, काट दिया तो तुरंत मर जाएगा। उग्र तेजा बहुत तेजस है, घोर विषा बहुत गहरी विष है, उस दांत है उसके पास। ऐसे है तो ये चार सांप कैसा है? असलियत में बहुत जहरीला है, बहुत खतरनाक है। ये चार सांप के पास एक आदमी आता है, वो आदमी जी अपना जिंदगी को प्यार करता है, मरने के लिए पसंद नहीं करता है, दुख पसंद नहीं करता है, लेकिन वो सुख पसंद करता है। वो आदमी आगे ऐसा है तो वो आदमी कौन जैसा है? हम लोग जैसा है ना। हम लोग भी जीवन को प्यार करते हैं, हम लोग भी सुख पसंद करते हैं, वैसा हम लोग जैसा एक आदमी आ गया। ऐसा है तो वो आदमी चार सांप के पास जाता है खुदकुशी करने के लिए? नहीं। सांप के पास आने के बाद उस आदमी को पकड़ लिया, सांप नहीं, कोई लोग पकड़ के बताया, सांप को पकड़ के, सांप एक पेट में डाल के आदमी को दे के बताया, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये चार सांप को आप स्वीकार करिए। लेकिन ये आजगर हरहुरुआ जैसा सांप नहीं है, बहुत विष है, अगर काट लिया तो तुरंत मर जाएगा या फिर वैसे ही दुख मिल जाएगा जीवन भर। अब आप ये चारों सांप को ले जाइए, ले जाकर के अच्छा से इस सांपों का देखभाल कीजिए। याद रखिए समय समय पर ये सांप को नहाना पड़ेगा, नहवाना पड़ेगा ना, नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा सांप को समय समय पर, समय समय पर इस सांपों को खिलाना पड़ेगा, सही टाइम पर इस सांप को जगाना भी पड़ेगा, उसी और सही टाइम आने के बाद सांप को सुताना भी पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? खिलाना, नहाना, नहाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, सुताना पड़ेगा, अच्छी तरह इस सांपों का देखभाल निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर। अगर एक प्रॉब्लम है, तुरंत ये सांप गुस्सा करता है, चीर बढ़ता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है सांप को, समय समय पर गुस्सा आता है, गुस्सा आने का तुरंत काटता है, काटने के बाद जानता है क्या होता है? मर जाएगा या फिर उतना ही दुख मिल जाता है। कभी कभी ये चार सांप एक ही बार गुस्सा हो जाता है, कभी कभी दो को गुस्सा हो जाता है, कभी कभी एक, कभी कभी तीन, ऐसा करके उस आदमी को वो गिफ्ट दे दिया।
कौन है आदमी जो जीवन जीने के लिए पसंद है, दुख पसंद नहीं है, सुख पसंद है, तो आदमी को क्या हो जाएगा? ये तो अपने को प्यार करने वाला है, स्वीकार करेगा सांप को नहीं, ये क्या करता है या ये क्या किया? सांप को छोड़ के भागने लगा, हाँ दौड़ दौड़ भागने लगा। दौड़ के जाते समय इस आदमी को कौन तो बता रहे हैं, दौड़ के भाग गया तो बचना मुश्किल है, नहीं बच सकता है। दुख देने वाले पांच आदमी आपके पीछे पीछे अभी तुरंत आ रहे हैं, वध पहुंचाने वाले, शरीर काट उठ के मारता है ना, कसाई, पांच को कसाई आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, अभी बचना मुश्किल है। अगर आपके पीछे पीछे आता है, अगर आप उन लोगों ने आप फंस गया तो या पकड़ लिया तो तुरंत काट देगा, मार देगा, उसके बारे में और द्वारा शब्द नहीं है। ये जानने के बाद वो आदमी अपना मृत्यु के पसंद नहीं है, जीवन जीने के लिए पसंद है और सुख पसंद है, दुख पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद क्या करेगा आदमी? शांत रहेगा? ओ जोर से दौड़ने लगा, जोर से दौड़ने लगा। ये जोर से दौड़ने वाले आदमी को देख के और कौन तो बोलने लगा, कितना मेहनत करके दौड़ लिया था भी मतलब नहीं है, कितना भी जोर से दौड़िए बेकार है, बचना मुश्किल है। आपके साथ साथ आपके बगल में ही एक तलवार लेके और एक कसाई खड़ा है, आपके बगल में आपके छा जैसा आपके साथ और एक कसाई तलवार हाथ में लेके खड़ा है। अगर आप थोड़ा भी रुक गया तो, या आप जो जोर से दौड़ता है ना स्पीड स्लो कर दिया तो तुरंत आपका गला में तलवार से मार देगा गला पे। अभी एक कौन है और एक, पहला भी कौन आ रहा है पीछे पीछे? चार सांप पीछे पीछे आ रहा है आदमी का। इसके बाद पांच खसाई पीछे पीछे आ रहा है। इसके बाद एक खसाई छा जैसा बगल में आ रहा, कहीं भी जाएगा तो बगल में आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगर थोड़ा भी स्लो हो गया तो या रुक गया तो तुरंत तलवार से गला पे मार देगा। ये सुनने के बाद कुछ भी हो, मरना है तो मर जाए, लेकिन हम मेरा श्वास रुकना है तो रुक जाए, लेकिन रुकेंगे नहीं। और ये क्या करेगा? और जोर से कुछ भी हो लेकिन हम भाग जाएंगे, ऐसा करके दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हम लोग जैसा है, जीवन जीने में पसंद है और सुख पसंद है, अपना शरीर का सारे हिम्मत लेकर के अभी पूरा दौड़ने लगा। ऐसे दौड़ के जाते समय एक गांव मुलाकात होता है, उस गांव में घर दिखाई देता है। इसके बाद इसका मन में आ गया, इसी घर घर पे आदमी लोग होगा, उन लोग से हम मदद मांगेंगे, मेरा जीवन सुरक्षा हो जाएगा। ऐसे सोच के ज्यादा डर लगता है, तुरंत घर घर पे घुसने लगा, घुस के देख लिया कोई है, लेकिन घर का कोई मालिक नहीं है। घर के अंदर किचन में जाके देखा, कुछ खाना बनाया कुछ नहीं, अभी हड़बड़ा के थोड़ा दौड़ दौड़ करता है, रुक गया तो खत्म। गोदरेज खोल के देखा, कुछ नहीं है, सब खाली। दूसरा घर पे गया, वही सही है, एकदम सन्नाटा घर, कोई नहीं है। ऐसा घर घर जाते रहते समय और आवाज आ रहा है,
पहला आवाज क्या है, बोल रहा है कौन, तो आप इस गांव में क्या कर रहा है, इस गांव में मजाक से भी रहने के लिए सोचो मत, मजाक से भी सोचो मत इधर रहने के लिए, क्योंकि गांव गांव को लूटने वाले चोर लोग हैं, वो चोर लोग निरंतर इस घर घर पे आ जाता है, घर घर पे रहता है, अगर उस चोर लोगों तुमको पकड़ लिया तो जानता है ना क्या होता है, तुरंत मार देगा। ये सुनने के बाद ये आदमी और डर गया, पूरा गांव को तुरंत, क्यों तुरंत आ जाएगा चोर, तुरंत छोड़ दिया, छोड़ के भागने लगा। दौड़ दौड़ के जाते समय ये आदमी बहुत बड़ा नदी के किनारे आ गया, नदी के उस पार जाने के लिए कुछ उपाय नहीं है, नदी का बाढ़ भी बहुत जोर से बहती है, पार होने के लिए कोई नाव या बोट कुछ भी नहीं है। अब उस पार गया तो ठीक है, लेकिन उस पार नहीं गया तो खत्म, समझ लीजिए ऐसा खतरा आ गया तो कैसा निर्णय लेगा। चार सांप पीछे पीछे आ जाता है काटने के लिए, पांच खसाई आ जाता है पीछे पीछे काटने के लिए, थोड़ा भी देर हो गया तो गल्ला पे मारने के लिए खसाई है तलवार लेके, और गांव में गया सुरक्षा पाने के लिए, लेकिन उसके चलते मिल गया चोर लोग, वो सारे चोर लोग को पता चला चोर लोग भी इसके पीछे आ रहा है। अब इस पार रह गया तो बचना, बचने के लिए सोच भी नहीं सकता है, उस पार गया तो बच सकता है, नदी से उस पार गया तो बचने का संभव है, तो अभी जल्दीबाजी है। इधर उधर देखा, देखने के बाद लकड़ी वगैरह कुछ फटाफट ले लिया, ले करके मात्र अपना शरीर को रखने के लिए तुरंत जगह बना दिया, ऐसे ऐसे जंगल का वो लाठी वगैरह लेकर के बांध के तुरंत बना दिया, बना के उसको तुरंत नदी में फेंक दिया, फेंक के उस पे चढ़ गया, चढ़ के अभी कुछ लकड़ी मिलता है ऐसे चलाने के लिए, नहीं, ये क्या किया, बहुत मेहनत करके, बहुत वीर करके, अपना हिम्मत लगा के हाथ एवं पैर से पानी पे मार मार के, पानी पे मार मार के खतरा बाढ़ को काट के नदी के उस पार गया, सागर को पार कर दिया, नदी को पार कर दिया, पीछे पीछे आया उन लोग को, इनको नहीं पकड़ पाया। नदी के इस पार आने के बाद ये आदमी जीत गया, बच गया, ये है सूत्र, इसलिए इसका अर्थ बताइए। तो वही बोलने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग अभी सुनिए भगवान बुद्ध की ये सुंदर उदाहरण का मतलब क्या है। चत्तारो आशिविषा उग्गते जा घोर विषातिको बिके चतुन्नेतं महाभूतानं अधिवचनं पटविधातुया आपोधातुया तेजोधातुया वायोधातुया। पुण्यवान भिक्षु, ये बहुत खतरनाक जहरीला चार सांप कौन है, पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु मतलब मिट्टी साथ मिलने वाली चीज शरीर में ना, मांस केश, इसका आपो धातु पानी साथ मिलने वाले खून पेशाब आंसू पसीना इत्यादि, तेजो धातु गर्मी चीज, हमारा शरीर गर्म रखने वाली गर्मी है ना वही, इसके बाद वायो धातु हवा, हम लोग के शरीर के अंदर हवा है ना, इधर उधर, पृथ्वी धातु मतलब क्या है, मिट्टी साथ मिलने वाली चीज,
आपो धातु मतलब पानी साथ मिलने वाली चीज, तेजो धातु मतलब गर्म आग गर्मी के साथ मिलने वाली चीज, वायु धातु मतलब हवा के साथ मिलने वाली चीज। ये चार चीज से हमारे शरीर बन गया है, लेकिन भगवान बुद्ध इसी चार धातु से बनाया हुआ शरीर उपमा कर दिया किसको, जहरीला चार सांप को। भगवान बुद्ध ने बताया बहुत गहरा जहर है, कैसे ये सांप, सांप को बताया ना आदमी को ये सांप जहरीला है, लेकिन इसको टाइम पे उठाना पड़ता, नहाना पड़ेगा, नहाता है ना टाइम पे, टाइम पे मतलब समय समय पर इसको नहाता है ना, खिलाता है ना इसको टाइम टाइम पे, फिर इसको जगाना पड़ता है ना, फिर सुताना भी पड़ेगा ना, हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। उसी प्रकार ये चार सांप को रोज चार सांप के प्रति ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन हम लोग कभी ये चार धातु का कभी सांप जैसा समझ गए हैं नहीं समझ गए, क्योंकि हम लोगों के बारे में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। हम लोग क्या सोचते हैं, ये मैं हूं, ये मेरा है, शरीर मेरा है, इस ऐसा सोच के बहुत प्यार से इस शरीर को हम लोग सेवा पानी करते हैं, सत्कार सम्मान करते हैं। ये सांप गुस्सा करता है ना बार बार, गुस्सा करने के बाद क्या करेगा, तुरंत काट लेता है, काटने के बाद तुरंत मर जाता, नहीं तो वैसे ही दुख मिल जाता है। वैसे ही है हम लोग मैं समझकर इसको समय समय पर नहा के खिला के उठा के सुता के रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये सांप गुस्सा होता है, गुस्सा होता है मतलब कभी कभी फाटवी धातु बीमार पड़ता है, कभी कभी आपो धातु बीमार पड़ता है, कभी कभी तेजो धातु बीमार पड़ता है, कभी कभी वायु धातु बीमार पड़ता है। हम लोग ये सांप को सजाता है तेल लगा के, या तो फिर कुछ खान वाला पहन के, माला पहन के, हाथ में पहन के, चूड़ी पहन के, सुंदर चप्पल पहन के, सुंदर कपड़ा पहना के इसको सजाते हैं। अंत में कितनों भी सजाया था भी समय समय पर ये तो बीमार पड़ता ही है, लेकिन हम लोग ये चार सांप बीमार पड़ने पर हम लोग सोचते हैं हम बीमार पड़ गए, हमको दुख मिल रहा है, अरे मुझे ऐसे हो गया, पहले हम कैसे थे, पहले हम बहुत हेल्दी था, अभी हम कैसे हो गया, हमको अभी घूमने का भी हिम्मत नहीं है, हम जो खाना खाते हो अच्छा से पचता भी नहीं है, मेरा कमर दुखता है, हे माँ मेरी छाती दुखता है, हे भगवान मेरा सिर दुखता है, ऐसे करके जीवन भर ये चार सांप को सेवा पानी सत्कार सम्मान करने के लिए मेहनत करते हैं लोग। कोई कोई लोग बीमार पड़ने के बाद उन लोग क्या करता है, धर्म मनन नहीं करता है, अस्पताल अस्पताल में अच्छा अच्छा अस्पताल, डॉक्टर डॉक्टर पे दिखा दिखा के जीवन भर डॉक्टर के पीछे, उन लोग का जीवन दवा से दौड़ता है, दवा से जीवन बिताते हैं। किसी को कैंसर आता है, किसी को पेट दर्द, किसी को किडनी का बीमार, कितना बीमार आ जाता है ना, आंखों का बीमार, अलग अलग प्रकार की बीमार से दर्द, लेकिन लोग रोते रहता है, कोई नहीं सोचता है एक साथ गुस्सा है हो गया है। इसीलिए हम लोग क्या होता है, शरीर बीमार पड़ गया तो शरीर के ऊपर हम लोग घृणा होता है, आसक्त नहीं होता है, फिर बीमार ठीक होने के बाद फिर शरीर पे बंधन। इसी प्रकार
अगर हम लोग इस शरीर पे चार सांप पे आसक्त भी नहीं होंगे तो घृणा भी नहीं होंगे तो हम लोगों को भगवान बुद्ध आसक्त भी बिना हो कि घृणा भी बिना हो कि रहना चाहेंगे तो भगवान बुद्ध के धर्म को ही समझना पड़ता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। देखिए आप लोग का मम्मी पापा लोग हमेशा कहते हैं क्या, हम बूढ़ा होने के बाद कौन हमारा शरीर दबाएगा, कौन सेवा सत्कार करेगा। इसका मतलब जहरीला चार सांप को पकड़ के मैं हूं मेरा है ऐसा करके जहरीला चार सांप को पकड़ के रहता है। अंत में उसी जहरीला सांप को भविष्य में भी ख्याल रखने के बारे में ध्यान देते हैं, कौन इसको खिलाएगा पिलाएगा सुताएगा। एक दिन भगवान बुद्ध अपना कुटिया के बाहर आके चक्रवन ध्यान कर रहे थे, वहां पे आनंद बंति जाके बताया भगवान बुद्ध जी आपका चरण पहले सोने का रंग था, बहुत कोमल था मुलायम था, लेकिन अभी आपका ये चरण आपका शरीर थोड़ा सा सूख गया है, चमड़ी कठोर हो गया थोड़ा सा, आपका शरीर भी अभी इतना सीधा दिखता नहीं है। इस तरह भगवान बुद्ध ने बताया, उस समय भगवान बुद्ध की उम्र 80 साल, भगवान बुद्ध ने बताया आनंद ये गंदगी शरीर वैसे ही है, ये नीच शरीर को निंदा हो। देखिए इस शरीर के बारे में भगवान बुद्ध के मन में कितना ज्ञान है सच्चाई के बारे में। लेकिन एक बात है, चार धातु से बनाया हुआ ये शरीर को निरंतर सजा उजा के रखने का चीज नहीं है, तथा ये शरीर सुंदर हो गया तो शरीर हेल्दी हो गया तो उस पर घमंड होने का चीज भी नहीं है, खत्म हो जाता है तुरंत। लेकिन हम लोग शरीर का सच्चाई को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं बिना दर्द महसूस किए बिना परेशान से आराम से मर जाएंगे तो अच्छा है, बूढ़ा बूढ़ी होके बिना बीमार पड़ के घर पे पलंग पे शांति पूर्वक मर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी बीमार पड़ेगा तुरंत अस्पताल में डाल देता है। अस्पताल में डाल के अगर बीमार गहरा हो गया तो नाक से पैंप डालता है, फिर मुंह से डालता है पैंप, पीछे से डालता है पैंप, फिर खान पूरा भरा हुआ पैंप अंदर घुसा कर पैंप के माध्यम से खिलाता खिलाती इधर से डालता है उधर से डालता है, अंत में रोबो जैसा। ऐसे ही होता है वर्तमान में, ज्यादा लोग बीमार पड़ता है ना, यहाँ के लोग ऐसा क्यों नहीं होता है, गरीब है पैसा नहीं है फैसिलिटीज भी नहीं, इसीलिए घर पे मर जाते हैं लोग दुख सहन करते करते। ऐसा मौका आ गया तो मन शांत कर सकेगा नहीं, कर पाता है धर्म मनन नहीं कर सकता है। ऐसा समय मरने वाला है तो मन शांति पूर्वक स्वर्ग में रख सकता है, मुश्किल है। ये सारे चीज धर्म को नहीं समझने के कारण होता है। ऐसा है तो भगवान बुद्ध जो जहरीला चार सांप के बारे में बताए, चार सांप के बारे में हम लोग अभी समझ गए ना, क्या है चार सांप, पृथ्वी धातु आपो धातु तेजो धातु वायु धातु। ये सांप गुस्सा होता है मतलब बीमार पड़ता है, श्रीलंका में अभी भी कहता है ये पृथ्वी धातु गुस्सा हो गया कोई बीमार पड़ गया तो, आपका वायु धातु गुस्सा हो गया है आपका, वायु धातु में गुस्सा में क्या वायु धातु लेने में प्रॉब्लम, हाँ गैस वगैरह, फिर चार धातु के कारण ही हर एक बीमार आ जाता है ना, हम लोग अलग अलग से पता नहीं चलता कि कौन सा बीमार, डॉक्टर नहीं है ना हमें। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया इसको वर्णन करना जरूरत नहीं है, ये शरीर को मेन जगह बिल्कुल नहीं देना चाहिए, शरीर को पीछे करना चाहिए काम भर। इसीलिए पटसंका इन से पिंड पातम पट सेवा में, ये भोजन हम लेते जीने के लिए बिना तकलीफ से धर्म के रास्ते पे जाने के लिए। अभी चार सांप के बारे में समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया।
चार सांप गुस्सा अगर तो काटता है, काटते तो मर जाता है, उसका मतलब क्या है? गहरी बीमार आ गया तो काट लिया, फिर आदमी मर जाता है, वैसे ही दुख मिलता है। किसी का पूरा शरीर का इधर हिस्सा अपराण हो जाता है, इधर जीवन भर एक बीमार आ जाता है, पूरा आधा से इस तरफ ये पैर ये हाथ कुछ नहीं, ऐसे ही काम नहीं करता है, सिर्फ इधर काम करता है, वो भी ऐसे रहना पड़ता है, हिल नहीं सकता है। और कोमा में आ गया तो कोई नहीं काम करता है, अंश भाग कहता है, अंश भाग में आ गया तो आधा काम नहीं करता है, बहुत बीमार है। जाके देखिए अस्पताल, अस्पताल में इतना जनसंख्या है इसीलिए दिखता नहीं लोग बीमार है। आप लोग का घर देखिए, आप लोग का मम्मी पापा लोग दादा दादी लोग कितना बीमार है, बहुत सारे बीमार से बड़े हुए हैं, लेकिन उन लोग के पास प्रॉब्लम क्या है, उन लोग बीमार होने के बाद कोई मनन करके शांति पाने का कुछ भी उन लोग के पास नहीं है। क्यों? धर्म नहीं समझने के लिए। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, सिर दर्द हो गया तो सांप गुस्सा हो गया। चार सांप के बारे में डर के दौड़ के जाने वाले आदमी के पीछे पांच प्रकार की कसाई आते रहता है। वो पांच प्रकार की कसाई कौन है? पंच वध का पचत्थिकाति खो बिखवे पंचान्ने तंग उपादान खानदान अधिवचन। क्या है? पांच उपादान स्कंद है, पांच कसाई, वो भी पीछे पीछे आता है तलवार लेके। पहला उपादान स्कंद क्या है? रूप उपादान स्कंद। दूसरा उपादान स्कंद वेदना उपादान स्कंद। तीसरा संज्ञा उपादान स्कंद। चौथा संखार उपादान स्कंद। पंचमा विज्ञान उपादान स्कंद। पृथ्वी आपो तेजो वायु से बन गया है, उसको कहता है रूप। उपादान मतलब बंधन हो गया। अरहंत बंधन के पास से रूप स्कंद, रूप उपादान स्कंद नहीं। रूप स्कंद मतलब रूप है लेकिन उसके कोई बंधन, मेरा है, मैं हूँ, मेरा आत्मा है, वैसा बंधन अरहंत लोगों के मन में नहीं है, इसलिए उन लोगों के पास रूप स्कंद है। लेकिन हम लोगों के पास रूप उपादान स्कंद है, हम अपना रूप को पकड़ लिया है, ये मेरा है, मैं हूँ, मेरा आत्मा है, इसलिए हम लोग के पास रूप उपादान स्कंद है। इसका वेदना, वेदना उपादान स्कंद उत्पन्न होता है स्पर्श से। वेदना कौन सा वेदना है? सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना। इसके बाद संज्ञा, संज्ञा क्या है? पहचान। क्या पहचानता है? रूप पहचानता है, शब्द पहचानता है, गंध पहचानता है, रस पहचानता है, स्पर्श पहचानता है और विचार पहचानता है। इसके बाद संखार उपादान स्कंद यानी कि चेतना, चेतना यानी कि विचार, विचार करता है, चेतना उत्पन्न करता है। किस पे? आंख से रूप देखने के बाद उस पे, कान से आवाज सुनने के बाद उसी आवाजों पे, नाक से सुनने के बाद उसी गंध पे, स्वाद लेने के बाद उसी स्वाद पे, स्पर्श लेने के बाद उसी स्पर्श पे, मन विचार आने के बाद उसी विचारों पे चेतना करते रहता है, वो चेतना उपादान स्कंद। लेकिन चेतना करते रहते कैसे? ये सब मेरा है, मैं हूँ, मेरा आत्मा है, पकड़ के करता है। इसके बाद मन से जो कुछ जान लेता है वो विज्ञान है। क्या जान लेता है? रूप के रूप को जान लेता है, शब्द को जान लेता है, गंध को जान लेता है, रस को जान लेता है, स्पर्श को जान लेता है, विचार को जान लेता है, वो विज्ञान है। स्कंद मतलब समय और अवकाश के बीच में जो है ना, वो स्कंद है। समय क्या है? अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये है समय।
अवकाश मतलब छुट्टी, अवकाश मतलब जगह, अपना पास या बाहर, कठोर या मुलायम, ऊंच या नीच, दूर या नजदीक, जो कोई रूप हो या वेदना हो, संज्ञा हो, संकार हो, विज्ञान हो, वो है स्कंद कहता है। अब स्कंद समझ में आ गया, स्कंद मतलब समय और अवकाश के बीच में रहने वाले की स्कंद है। समय मतलब क्या है? अतीत, अनागत, वर्तमान। अवकाश मतलब जगह। अवकाश क्या है? अपना, बाहर, कठोर मुलायम, ऊंच नीच, दूर पास। रूप उपादान स्कंद ऐसा है तो रूप उपादान स्कंद क्या है? अतीत, अनागत, वर्तमान, अपना या बाहर, कठोर या मुलायम, उत्तम या नीच, दूर या नजदीक, जो कुछ है वो रूप, उसको कहता है रूप उपादान स्कंद। वेदना उपादान स्कंद भी वैसे ही अतीत, अनागत, वर्तमान, अपना, अपने से बाहर, कठोर, मुलायम, ऊंच नीच, दूर पास, जो कुछ वेदना है वो वेदना उपादान स्कंद है। संज्ञा उपादान स्कंद मतलब अतीत, अनागत, वर्तमान, अपने अपने से बाहर, कठोर, मुलायम, उत्तम, नीच और दूर पास, जो कुछ पहचान है वो संज्ञा उपादान स्कंद। संकार उपादान स्कंद मतलब अतीत, अनागत, वर्तमान, अपने अपने से बाहर, कठोर, मुलायम, ऊंच नीच, दूर पास, जो कुछ चेतना है वो संकार उपादान स्कंद। विज्ञान उपादान स्कंद मतलब अतीत, अनागत, वर्तमान, अपना, अपना से बाहर, कठोर, मुलायम, उत्तम, नीच, दूर पास, जो कुछ विज्ञान है वो विज्ञान उपादान स्कंद। लेकिन अरहंत लोग के पास नहीं है, क्योंकि अरहंत लोग अतीत में भी नहीं रहता है, वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं, अपना पास भी नहीं, बाहर भी नहीं, और भी नहीं, नीच जगह पे भी नहीं, ऊंचे जगह पे भी नहीं, दूर में भी नहीं, पास में भी नहीं। हम लोग हर जगह पे हैं। आप लोग सुने होंगे कौन सा सूत्र, पंच उपादान स्कंद, इसके बारे में एक सुना है ना उपदेश, अनित्य स्कंद ध्यान के बारे में उपदेश। भगवान बुद्ध ने बताया ये पंच उपादान स्कंद पांच खसाई जैसा है। हम लोग को ये पहले इतना समझ में नहीं आ गया ना, हम लोग के पंच उपादान स्कंद के साथ दोस्ती बनाया है। पंच उपादान स्कंद मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा है, वैसा हम लोग स्वीकार कर चुका है। पंच उपादान स्कंद नाम का ये पांच खसाई हम लोगों को फंसा के हम लोगों के पीछे पीछे आता है। यहाँ से मर गया तो फिर आ जाएगा। लेकिन ये पंच उपादान स्कंद का थोड़ा मोटा मजा है, आनंद है, इसीलिए हम लोग उस पे आसक्त होते होते उसी में फंस गए थे। हम लोग नहीं समझते थे, इसीलिए मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा है समझ के उसी में ही फंस गए। हम लोग दोस्ती बना के, साथी बना के पंच उपादान स्कंद के साथ जीवन बिताते हैं, इसीलिए रूप देखने के बाद समझते हम देखते हैं। कोई डांट दिया तो मुझे डांट दिया है, कोई गमक लिया तो मुझे बदबू आ रहा है, या फिर कोई खाना खाया तो वह खराब खाना, मेरे लिए खराब, अच्छा नहीं लगता है, वही खाना खाएंगे, या तो फिर कोई दुख दर्द हुआ तो मेरा घुटनी दुखता है, मेरा पैर दुखता है, मेरा, तुम्हारा नहीं, मेरा दुखता है। कभी सोचता है पट व्याप्त जो आयु दुखता है? नहीं दुखता है, इसीलिए इसी फंस के रहता है, इसीलिए हम लोग इसका दोस्त बन गया, साथी बना के रहते हैं। लेकिन ये रूप, वेदना, संज्ञा, चेतना और विज्ञान, रूप, वेदना, संज्ञा, चेतना, संखार, विज्ञान, इसके बारे में जान गया तो ये रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान का ये झूठी माया पहचान गया तो हम लोगों को भी
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग क्या करना चाहिए, ये रूप मैं नहीं, ये तो पृथ्वी आप तेजो आय से बन गया है, ऐसे समझना चाहिए। ये वेदना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, स्पर्श जानते हैं ना, स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, ये भी मैं मेरा मेरा आत्मा नहीं, वैसे समझना चाहिए। और संज्ञा यानी कि पहचान, ये पहचानना भी स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, ये भी मैं मेरा मेरा आत्मा नहीं। ये चेतना संस्कार, ये भी स्पर्श के कारण उत्पन्न हुआ, ये भी मैं मेरा मेरा आत्मा नहीं। ये विज्ञान उत्पन्न हुआ नाम रूप के कारण, विज्ञान भी मैं मेरा मेरा आत्मा नहीं। इसी प्रकार समझ गया तो पंच उपादान स्कंद नाम का पांच कसाई से बच सकता है। हम लोगों को ये संज्ञा संकार रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान ये पंच उपादान स्कंद से क्यों नहीं बच सकता है, समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों को फंसा के फंसा दिया मधुर रूप से, प्रिय स्वभाव से हम लोगों को इसको फंसा दिया। जैसे में हम लोग का रूप देखते समय सिर्फ दुख दर्द मिल गया, तो आवाज सुनते समय कोई मजा नहीं आया, तो सूंघते समय दुख मिल गया, तो स्पर्श महसूस पाते समय परेशान हो गया, तो और सोचते समय दुख आ गया, तो हम लोग कभी आसक्त हो जाएगा नहीं। इसका मतलब इसमें आनंद भी है, लोग रोता है, रोते समय उसमें मजा है, इसीलिए लोग रोता है। कोई मर गया तो सोचे बच्चा मर गया, मरने का मम्मी रोती है ना, उसी रोवाई पे मजा है। अगर मजा नहीं है तो आनंद नहीं तो वो नहीं रोती है। गाली देते समय गाली देते हैं लोग, गाली देते से उसमें मजा नहीं है तो गाली नहीं देता है, चुप हो जाता है। और लड़ाई करता है, लड़ाई करते समय उसे लड़ाई में कोई मजा नहीं है तो लड़ाई नहीं करता है, पटका पटकी मारपीट करता है ना, उसमें मजा है, आनंद है, तब वो लड़ाई करता है। इसके बाद किसी को हत्या करेगा तो काट काट के, लोग बोलते हैं कैसे आदमी को काटता है, उसमें मजा है इसीलिए वो कर सकता है। अगर आनंद मजा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही रो सकता है, नहीं हंस सकता है, नहीं लड़ाई कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये पंच उपादान स्कंद का मजा है, आनंद है, लेकिन थोड़ा, उसी थोड़ा में लोग फंस जाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया या नहीं? आ गया ना। अभी यहां तक आप लोग समझ में आ गया, ऐसा है तो ये पंच उपादान स्कंद का झूठी आनंद मजा में हम लोग को किसने फंसा दिया? कृष्णा ने फंसा दिया, इच्छा ने हम लोगों को फंसा दिया। हम लोग भी फंस के जा रहा है, थोड़ा गहरा है। तृष्णा उत्पन्न होता है पंच उपादान स्कंद के बारे में, पंच उपादान स्कंद के साथ साथ और एक कसाई अपने साथ परछाई जैसा तलवार उठा के आते रहता है, वो है तृष्णा। नंदी राग से तंग अधिवचना, नंदी राग को कहता है, नंदी राग मतलब आनंद से बंधन होता है ना, वो है तृष्णा। कृष्णा को कहता है वो परछाई जैसे आने वाले आंतरिक खसाई को, बगल में ही रहता है। ये कृष्णा की खसाई तलवार से गला पे कैसे मारता है? अगर कोई भी व्यक्ति रूप पे बंधन हो गया तो तलवार से मार खाया, शब्द पे आसक्त हो गया तब भी हो गया, गंध पे आसक्त हो गया तब भी मार खाया, और रस
रस पे आसक्त हो गया था अभी मार खाता है, और स्पर्श पे आसक्त हो गया था अभी मार खाता है, और विचार पे आसक्त हो गया था अभी मार दिया। कितना बार मार खाते आ रहा है अभी? खा रहा है ना। आज भी मार खाया कि नहीं? एक बार भी बहुत बार खाया होगा ना। लेकिन वर्तमान लोगों को उस समय में किसी आदमी लोगों को एक तलवार से मारता है ना, उसका दुख दर्द पहचान नहीं सकता है। इसीलिए आम लोग ये तृष्णा में फंस जाता है, तृष्णा की माया जाल में आराम से फंस जाते हैं। कोई भी कोई अगर कोई व्यक्ति हम लोगों को तलवार लेकर के गर्दन पे मार दिया तो हम लोग को जो कुछ है वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसके बाद उसी आदमी जो कुछ बोलता है उसी प्रकार काम करना पड़ता है ना, उसका वश में है। हम लोग कसाई के वश में है, वो जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। वैसे ही है तृष्णा हम लोगों को मार दिया, तृष्णा ने मार के हम लोग जो तृष्णा चाहते वैसा हम लोग काम करते रहते हैं। कहेगा तो अभी सो जाओ, सो रहे हैं, अभी थोड़ा हंसो, हंस रहा है, अभी नहाओ, नहाता है, अभी जाके खेलो थोड़ा सा, खेलता है, अभी जाके उसको गाली दे दो, गाली दे रहा है, अभी जाकर के रो, रोता है, अभी जाके लड़ाई करो, लड़ाई करता है, अभी जाके उसी से मांग रहा है, अभी जाके आज तुम वैसा खाना खाओ, फिर वैसा खाने की ट्राई करता है। हम लोग तृष्णा का नौकर है अभी। तृष्णा हम लोग को मार दिया, मारने का ना पूरा शरीर पे आंख कान नाक जीव शरीर की ये छह इंद्रिया में तृष्णा छह इंद्रिया को कब्जा कर लिया। अभी छह इंद्रिया में जो रूप देख लिया तो तृष्णा बोलते उसी प्रकार हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते ना सब खत्म करके अरहत प्राप्त किया तो अच्छा है, लेकिन होता क्यों नहीं? तृष्णा हम लोग को मार दिया इच्छा, इसीलिए नहीं कर पाता है। उसको नंदी राग कहते हैं। नंदी राग मतलब प्रसन्न मन से आसक्त होना। घृणा मन से कोई आसक्त होता है क्या? नहीं। गाना सुनता है, होता है। घृणा मन से सुनता है, बहुत प्रसन्न मन से होता है, वो नंदी राग है। प्रसन्न मन से आसक्त होने के बाद ज्ञान से मनन करके काम करने का हिम्मत टूट जाता है। जैसे में गुस्सा आ गया, गुस्सा आने का डांटता है ना, डांटने के लिए मजा चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद आ गया तब डांट रहा है। डांटते समय हम लोगों को ज्ञान से मनन करके हटा सकता है क्या? मुश्किल है, गुस्सा को हटाना मुश्किल, क्योंकि हम लोग नांदी राग यानी कि तृष्णा में बंधन होने के बाद हम लोग को ज्ञान से मनन करके काम करने का हिम्मत नहीं रहता है, कमजोर हो जाते हैं हम लोग। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया राग द्वेष मोह कभी भी उत्पन्न हो गया तो मन जल जाता है। भगवान बुद्ध के समय में एक अरहंत भिक्षुनी थी उत्पलवाना, बहुत सुंदर खूबसूरत। वो उत्पलवाना भिक्षुनी पिंडपात में जाते समय एक गंदगी मन वाले एक आदमी उसको उपलवाना को लाइन मारता है रोज लाइन मार के अंतिम उपलवाना के बारे में राग उत्पन्न हो गया, यानी कि तलवार गर्दन पे मार दिया उसी आदमी का। एक दिन ये उत्पलवाना भिक्षुनी अरहन भिक्षुनी पिंडपात करके अपना कुटिया में आकर के बहुत दूर तक गया है, पैर दर्द है, टाइम भी बहुत है अभी, तो पात्र रखे थोड़ा पलंग पे सो गया। जो आंतरिक खसाई मार दिया है गला पे,
अंत यानी कृष्णा मार दिया है नंदिराग मारने के मारने के कारण वो आदमी का सारे अच्छाई खत्म हो गया। वो तुरंत आकर के उत्पलवन्ना अरहंत बंत जी को बलात्कार किया। इसका उत्पलवन्ना भिक्षु ने बताए, ए पापी पुरुष तुम ये पाप मत करो, बहुत पछताओगे। लेकिन अभी ये नंदिराग से तलवार का मार खाया था ना, अब इसको ज्ञान से मनन करके उपदेश सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता है। इस वैसे जो उसको चाहता वैसे कर लिया। अंत में सोच लिया, मैंने जीत लिया, ऐसे करे कि कुटिया से बाहर आ गया। आने के बाद धरती फट गया, आग आ गया, आदमी को ले गया, जिंदा ले गया। अभी भी नराबी थी, अभी उसका दर्द अभी तक शुरू हुआ है। इसी समय से बहुत समय तक वो रहना पड़ेगा, हमसे करोड़ों साल तक। ये नंदी राग या तो फिर प्रसन्न मन से आ सकते हो ना, हम लोगों के पास में भी है। खसाई तलवार से हम लोगों को भी मारता है, हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए हमेशा इंतजार करके रहता है। इसीलिए किसी को भी विश्वास नहीं कर सकते हमको नहीं मारेगा। ऐसा है तो ये कसाई से बचना चाहेंगे तो भगवान बुद्ध की पवित्र धर्म सुनकर उसी धर्म के अनुसार मनन करके उसी धर्म पे ही अपना जीवन को चलाना चाहिए। ये नंदिराग नाम का तृष्णा नाम का कसाई से बचने के लिए ये आदमी दौड़ के जा रहा था। जाते समय ये आदमी आ गया एक कहाँ पे गांव में सुख पाने के लिए। उसी गांव में सिर्फ छह घर था। शून्य गामो तिखो भिक्खवे, शून्य मतलब शून्य गामो तिखो भिक्खवे छन्ने तंग अध्यात्मिकान आयतनान अधिवतना अधिवतन। शून्य सनाटा गांव में कितना घर था? छह घर। ये छह घर हैं आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन। अभी वो व्यक्ति हर एक घर घर पे घुस के देखा कोई सुरक्षा है या नहीं, लेकिन ये छह घर खाली हैं। ऐसा है तो धरते मारे भागते रहने वाले व्यक्ति को उसी छह घर से कोई सुरक्षा हो जाएगा? कोई मदद नहीं है, मालिक भी नहीं है। अगर ऐसा घर कोई देख लिया तो हम लोग का मन करता है नहीं, हम नाम ले लेंगे घर। क्योंकि हम लोग सोचते रहता है ये छह घर मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा है। अच्छा से ज्ञान से मनन करके देख लिया तो ये आंख में मैं हूँ या नहीं, आंख में है मैं। आंख बीमार पड़ते समय बुढ़ा होते समय हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, आंख में मैं नहीं, कान में है मैं, कान में भी नहीं, नाक में नहीं, जीभ में नहीं, शरीर में नहीं, मन में मैं हूँ नहीं है। क्यों? मन में गुस्सा आ गया तो हम सोचते हैं गुस्सा कभी नहीं आए, लेकिन आता है कभी कभी। राग कभी नहीं आए लेकिन आता है कभी कभी। और मोह कभी नहीं आए लेकिन फिर भी मोह आते रहता है। लेकिन मूर्ख लोग क्या करता है, ये छह घर मैं हूँ ऐसा समझ के रहता है। छह इंद्रिया मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा है, ऐसा समझ के छह इंद्रिया को पकड़ के रहता है। समझ गया? छह इंद्रियों में कोई सुरक्षा है क्या? छह इंद्रियों बूढ़ा होता है, छह इंद्रियों में मर जाता है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा पाने का मन से दौड़ के जो आया है वो व्यक्ति ये सनाटा गांव में इधर उधर जाते समय और कौन तो बोल रहा है, ये गांव को लूट के रहने वाले चोर लोग हैं।
उन लोगों को मुलाकात हो गया तो तुमको टुकड़ा भी मिल नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद ये आदमी क्या कर रहा है, और जोर से दौड़ना शुरू किया। ये गांव को लूटने वाले चोर लोग हैं, रूप शब्द गंध रस स्पर्श चोरा गाम घातकानि को भिक्खवे छन्नेतम बाहिरान आयतरान अधिवचन। छह घर मतलब क्या है? आंख कान नाक जीव शरीर मन, वो है आध्यात्मिक आध्यात्मिक अपना पास वो है। बाहर छह चीज को कहता है चोर, वो कौन है? रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार। हम लोग का अगर कोई सुंदर कोई देख लिया तो वाह कितना सुंदर है ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते भी हैं, या तो फिर और मोड़े और एक बार मोड़ के देखते और अच्छे से देखते और एक बार देखते, लेकिन फिर आने का फिर मनन करता है, याद करता है। कोई कोई लोग फिल्म देखते रहता है, क्रिकेट देखते रहता है, अगर कोई सुंदर गाना सुन आ गया तो अच्छा बहुत अच्छा गाना है, बहुत सुंदर आवाज, फिर वो गाना हम सुनेंगे। इसी प्रकार सोच के रहता है, क्यों? अज्ञानता के कारण। हम लोग आराम से लुटेरों चोर लोगों में हम लोग आराम से फंस गए हैं, चोर लोगों का कब्जा में है हम लोग। इसके बाद कोई गंदा आ गया तो उसी गंध पे आसक्त होता है, फिर गमक आ गया तो घृणा होता है, क्यों? हम लोग चोर लोगों में आराम से फंस गए। कोई स्वाद आ गया तो अच्छा स्वाद हम लोग आराम से स्वाद लेते हैं, नया नया खाना खाने का मन करता है, नया नया खाना खोज के जाता है। और शरीर का स्पर्श के लिए कई प्रकार की पाप करना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, चुगली करना पड़ता है, गाली देना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है, माई बाप को दुख देना पड़ता है, ये सब कुछ होने का कारण है मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा है, वैसा पकड़ लिया है। ये चोर लोगों में हम लोग फंस गए थे क्यों? अज्ञानता या नहीं जानने के कारण, रूप शब्द गंध रस स्पर्श के बारे में नहीं जानते हैं, विचार के बारे में। अगर कभी भी इस छह इंद्रिया के बारे में तथा बाहर छह कारण के बारे में अच्छी तरह जान गया तो हम लोग कभी फंसेंगे नहीं, मुक्त हो सकता है। भगवान बुद्ध इसका सच्चाई बताया है कैसे। प्रसन्न अप्रसन्न रूप के कारण आंख को पीड़ा मिलता है, प्रसन्न अप्रसन्न रूप के कारण आंख को पीड़ा मिलता है, प्रसन्न अप्रसन्न आवाज के कारण कान को पीड़ा है, अच्छा आवाज हो या बुरा आवाज, बुरा आवाज, प्रसन्न अप्रसन्न गंध के कारण नाक को पीड़ा है, प्रसन्न अप्रसन्न रस के कारण जीभ को कष्ट है, प्रसन्न अप्रसन्न स्पर्श के कारण शरीर को कष्ट है, प्रसन्न अप्रसन्न विचार के कारण मन को कष्ट है। कोई शांत नहीं है, पूरा मन गड़बड़ है, दुख है, नींद नहीं आता है, सपना से डर जाता है, कई प्रकार की डर उत्पन्न होता है। और अभी इसके बाद उसी मंदिर में जाना, उस मंदिर में जाना, गलत गलत पूजा करते करते रहना पड़ता है। ऐसा तो इसे बचने के लिए सबसे अच्छा सात तारीका क्या है? नहीं। मैं हूँ, मेरा है, मेरा आत्मा है, ऐसा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये कुछ मेरा आत्मा नहीं, वैसा ही सोचना पड़ेगा।
ऐसा जाते समय ये आदमी को अंत में मुलाकात हो गया क्या, बहुत बड़ा नदी। अभी इस नदी को उस पार करने के लिए कुछ है ही नहीं, बोट नहीं, कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध इसी में चार बाढ़ दिखाया, नदी में चार प्रकार की बाढ़ है। चतुर्नेतं ओघानं, ओघ मतलब बाढ़, चार प्रकार की बाढ़ है, कामोघस, भवोघस, दिट्ठोघस, अविद्योघस। पंच काम का बाढ़ पहला, दूसरा भव का बाढ़, तीसरा दृष्टि का बाढ़, चौथा अविद्या की बाढ़। काम बाढ़ मतलब पंच काम, रूप शब्द गंध रस स्पर्श। इसी पंच काम में प्रसन्न मन से आसक्त होना। पूरे संसार पंच काम के पीछे पीछे भागते रहता है, इसीलिए भगवान पंच काम को बताया ये एक बाढ़ है। भाव बाढ़ मतलब भाव का मतलब है जन्म लेने के लिए कारण को तैयार होना, भाव है। कारण कहाँ तैयार होता है? चेतना में, जहाँ चेतना, जहाँ सोचता है वहाँ कर्म बन जाता है। सामान्य नॉर्मल दुनिया में सारे लोग ये भव बाढ़ में भी डूब गया। तीन प्रकार की भव बाढ़ है, पहला है काम भव, उसका कर्म तैयार होता है काम लोक में जन्म लेने के लिए। दूसरा रूप भव, रूप लोक में जन्म लेने के लिए उसका कर्म तैयार होता है। रूप काम लोक मतलब क्या है? मनुष्य लोक, देवलोक, नरक, जानवर, ये सब काम लोक। रूप लोक मतलब ब्रह्म लोक, ध्यान लेके जो जन्म लेता है वो ब्रह्म लोक। अरूप भव मतलब अरूप ध्यान करके जो जन्म लेता है वही ब्रह्म लोक। ये कोई भी प्रकार से कर्म किया तब भी उत्पन्न होना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है। इसका तीसरा क्या बताया? दिट्ठि योग, दृष्टि बाढ़। भगवान बुद्ध ने बताया मानव के मन में कई प्रकार की दृष्टि है। भगवान बुद्ध उसको दिखाया एक बाढ़ जैसा है। कई कई लोग अलग प्रकार की दृष्टि, कोई लोग कहते हैं 84,000 साल तक जाना पड़ता है, कोई 7 जन्म तक आना पड़ता है, हम लोग का जन्म इतना दूर तक जाना पड़ता है, ये पूजा किया तो शांति मिलता है। अलग अलग प्रकार की दृष्टि है ना, वो भी एक बाढ़ है, खतरा बाढ़ है। किसी को ज्योतिष चाहिए, किसी को मंत्र जंत्र चाहिए, किसी सुरक्षा कवच चाहिए, घर को बहाना चाहिए, अलग अलग प्रकार की दृष्टि। कितना प्रकार की दृष्टि से परेशान है ना। अगर पिछले जन्म का कारण के अनुसार घर पे शांति हट गया, या इसी जन्म के कर्म के कारण घर के लोग क्या सोचते हैं, घर पे कोई ना कोई नजर डाल दिया, या तो फिर कोई कुछ ना कुछ किया, इसके बाद उधर दौड़ता इधर दौड़ता, लाखों रुपया खर्च करता है, खर्च करके घर बहान देता है। घर बहाने का मन में उत्पन्न होता अभी ठीक है, लेकिन फिर भी वही है प्रॉब्लम घर का। दृष्टि में लोग फंस जाता है। संसार से मुक्त होना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए भगवान बुद्ध की शरण और पंचशील, क्योंकि ये संसार की यात्रा बहुत खतरनाक दुख है। पटिच्चसमुप्पाद के अनुसार योनि से मनसिकार करेंगे तो कम से कम सोतापन हो सकता है। अगर सोतापन हो गया तो दृष्टि से मुक्त हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए। दृष्टि को तोड़ने का कारण क्या है? योनि से मनसिकार। योनि से मनसिकार करने का चीज क्या है? पटिच्चसमुप्पाद। इसके बाद चौथा बाढ़ क्या है? अविद्या बाढ़। अविद्या मतलब अज्ञान, नहीं जानना।
नहीं जानने को कहते हैं अविद्या, वो नहीं जानता है। प्राप्त जानने वाले दुख आर्य सत्य है, बोध करने वाले आर्य सत्य है, दुख उसके बारे में जानता नहीं। नष्ट करने वाले दुख का कारण है, वो आर्य सत्य है, उसके बारे में भी नहीं जानता, तृष्णा के बारे में। प्राप्त करने वाले दुख खत्म करने वाली आर्य सत्य है, निरोध, उसके बारे में भी जानते नहीं है। ये नहीं मतलब इधर सब देख लाए। और प्रयास, उसके लिए प्रयास करने वाला एक मार्ग है, आर्यष्टांगिक मार्ग, उसके बारे में भी जानता नहीं है। ये नहीं जानने के कारण भगवान बुद्ध ने बताया ये अज्ञान था भी एक बहुत बड़ा खतरा बाढ़ है, इसी बाढ़ में अगर फंस गया तो पार होना नामुमकिन। ये चार बाढ़ में से कोई भी बाढ़ में फंस गया तो मेहनत से बनाया हुआ बोर्ड भी चल जाएगा, खुद भी चल जाएगा। काम पंच काम में फंस गया तो, या तो फिर भाव, हाँ भाव, भाव में फंस गया तो, या तो फिर कई प्रकार की दृष्टि में फंस गया तो, या तो फिर अविद्या, अविद्या है। तो ये चार प्रकार की बाढ़ में एक ही बाढ़ में फंस गया तो बहुत काफी है, पार होना नामुमकिन है। कोई कोई लोग नदी में खुद जाता है, मेहनत करके पकड़ के नदी में खुद के तैरता है, तैर के और थोड़ा दूर है, घूम के फिर आ जाती सो इस पार। क्यों? बाढ़ घूम के जाता है ना, हाँ भंवरा जैसा। कैसे? मन में आ गया ये है रास्ता, रास्ता पे आ भी गया, प्रयास भी कर रहा है, फिर फंस गया पंच काम में, या फिर कोई दृष्टि में फंस गया, या तो फिर भाव में फंस गया, या तो फिर अविद्या में फंस गया, कोई ना कोई एक बाढ़ में फंस के फिर घूम के आ गया, फिर सोचता हम कहाँ थे, अभी कहाँ है, पछताना पड़ता है। लेकिन संपूर्ण से रास्ता से हट गया तो पछताना नहीं पड़ता है, आनंद है ना, उसमें आनंद में आनंद भोगते रहता है। भगवान बुद्ध ने बताया ओरी मंतीरं सासंकं सप्पटि भयंतिको बिक्वे सक्कायस्यतं अधिवचनं। इस पार को जो खतरा है ना, उसी पार को एक नाम है सक्काय। सक्काय, सक्काय मतलब मेरा है, मैं हूँ, मेरा आत्मा है, वो इस पार का है। इसलिए सारे परेशान, सारे परेशान का कारण मेरा, मैं, मेरा आत्मा जैसा सब कुछ पकड़ना। उस पार के बारे में पारी मन तीरं खेमं अपिति भयंत को बिक्वे निब्बान सहित अधिवचन। उस पार शेम, शेम मतलब जहाँ डर भय कुछ नहीं है, मुक्त जगह है, बिना डर भय का जगह है, तो वो उस पार को कहता है निर्वाण। खतरा बाढ़ वाले नदी का इस पार को कहता है सकाय, उस पार को कहता है निर्वाण। अभी वो जो आदमी था जो जीने में पसंद है, सुख पसंद है, मरने में पसंद नहीं, दुख पसंद नहीं, वो आदमी नदी के पास जाके मनन करता है। अभी वो किस पार है? नदी पार। इस पार है, उस पार नहीं, इस पार है। इस पार तैरने के पहले सोच रहा है कैसे उस पार जाएंगे। इधर उधर देखा कोई बोट कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी शॉर्टकट सिस्टम से जल्दी जल्दी कोई लकड़ी लेकर के फटाफट बहान दिया, बिना देर होते हुए बहान के वो तैयार किया उधर जाने के लिए। क्यों? उस पार में कोई डर भय नहीं, कुछ नहीं, एकदम सेम है।
ऐसे देखने के बाद देखा लकड़ी वगैरह बनाया छोटा सा एक बोट डिजाइन कुछ डाल दिया नहीं तो फटाफट ले लिया डाल दिया डाल के अभी उस पार करना भी आसान है क्या नहीं बहुत बहुत मुश्किल हाँ भगवान बुद्ध ने बताया उस पार करने के लिए जो बनाया ना एक बोट उसको कहता है अष्टांगिक मार्ग वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग बिना डर मुक्त जगह पे जाने का सुंदर जगह पे जाने का मार्ग क्या है आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्मा दिट्ठि सम्मा संकल्प सम्मा वाचा सम्मा कमन सम्मा आजीव सम्मा व्यायाम सम्मा सति सम्मा समाधि अब उस पार करने के लिए लकड़ी चाहिए ना एक लकड़ी है ना उसको क्या कहता है ऐसे मार मार के जाना पड़ता है लेकिन इसके पास है ही नहीं हाथ पैर हाथ और पैर से प्रयास करना पड़ता है भगवान बुद्ध ने बताया हाथे च पादे च वायम मानोति कवि वीर्यारंभ से तंग आदि हाथ और पैर से जो मेहनत करते उसको कहता है आराध्य वीर्य आराध वीर एक दिन हम आपको बताए थे ना शुरुआत किया तैर तैर के तैर तैर के रुक गया तो एक बार में फंस के का पता नहीं कहाँ तक घुस जाएगा ऐसा वैसे ही है हम लोग कोशिश करके अभी ट्राई करता है शरीर सुरक्षा करते हैं और ध्यान करते हैं यौन मानसिक कार्य करते हैं कभी कभी मन तो अनित्य है मन बदलने के कारण आज टेंशन परेशानी आज मन नहीं लगता है करके छोड़ दिया तो फिर ग्यारह देवरी नहीं है ऐसा है तो आराध्य वीर्य से बिना पार होना मुश्किल है निर्वाण के पास जाने के लिए आर्यष्टांगिक मार्ग चाहिए आर्यष्टांगिक मार्ग पे जाने के लिए आराध्य वीर्य चाहिए आराध्य वीर्य तथा आर्यष्टांगिक मार्ग दोनों चाहिए आराध्य वीर्य मतलब क्या है शुरुआत किया हुआ वीर्य शुरुआत किया हुआ मित्र कभी रुकता नहीं है वो आदमी नदी के पास आकर के थोड़ा सा बाल सरिया ब्रश करके नदी से थोड़ा मुंह धो के थक गया है अभी तो पार है जाएंगे ना टाइम तो अभी हो गए आएगा आएगा लेकिन मारेंगे तो कहां गुने जाएंगे ऐसे करके थोड़ा सा नाखून भी बड़ा हो गया ये सब देख के जाने लगेगा तो खत्म है ना वैसे ही है अभी ध्यान करना चाहेंगे तो अभी अच्छा टाइम लेना चाहिए अच्छा टाइम 8 बजे इसको 7 बजे ध्यान करने का मन में आ गया नहीं 7 बजे नहीं करेंगे 8 बजे करेंगे इसके बाद अभी ध्यान नहीं करेंगे अभी हम थोड़ा सा नहा लेंगे ध्यान करने का जब मन आता है ध्यान करने का वो ही ध्यान करने का टाइम याद रखें है ना अपना मर्जी से टाइम सोचे आपको 9 बजे टाइम है ध्यान करने का आपको 7 बजे मन आ गया बहुत ध्यान करने का बर्दाश्त करके छोड़ दिया फिर 9 बजे मन नहीं आता है नहीं आता है 7 बजे आ गया तो 7 बजे करना चाहिए याद रखिए जब मन आता तुरंत करना चाहिए वो समय है आपका मन ध्यान करने का अभी ध्यान किया तो अच्छा है तुरंत करना चाहिए शुरुआत लोगों को ये प्रॉब्लम है ध्यान किए हुए लोगों को जब मन है तब कर सकता है वो कैसे तो करके उस पार चला गया जहाँ के अभी आराम से रहता है विजय किया है तीनों पार का तो थाले तिथि ब्राह्मणे तिखो बिक अरहतो एतन अधिवचनांति जो तैर के उस पार गया है उनको भी एक नाम है वो है अरहन उस पार गया हुआ महान पुरुष का नाम क्या है अरहन
ऐसे है तो अरहंत बनने के लिए क्या मार्ग है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। पहला क्या है? सम्मा सम्मादिति। मतलब क्या है? चार आर्य सत्य के बारे में अच्छी तरह जानकारी होना। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरा सम्मा संकल्प। सम्मा संकल्प मतलब अवबोध के लिए अपना विचार को बनाना, अपना सोच विचार को। चार आर्य सत्य की ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना सोच विचार को अपना मर्जी से लगाना चाहिए। हम लोग को सोचे चार आर्य सत्य की अवबोध वहां है, हम लोग यहाँ यहाँ जहाँ तहाँ जाते जाते रहता है विचार। ऐसा नहीं, सीधा वहां तक जाने के लिए प्लानिंग करना चाहिए ना अपना मार्ग से। नहीं कैसे? सम्मादिच्छि व्यक्ति रूप शब्द गंध रस स्पर्श पंच काम से मुक्त होने के बारे में मनन करता है, उसको कहता है निकम संकल्प। पंच काम का खतरा के बारे में मनन करता है, पंच काम खतरा है। इसके बाद इसे मुक्त होने के लिए समत विपस्सना ध्यान करता है। इसके बाद मन में उत्पन्न होता है गुस्सा, उसी गुस्सा की विचार को भी हटाने के लिए मनन करता है, वो है अव्यापाद संकल्प। गुस्सा आ गया तो छाटा देता है, और दूसरों को हिंसा करने के बारे में भी नहीं सोचता है, वो है अविहिंसा संकल्प। सारे लोगों के प्रति अनुकंपा करता है, मैत्री करता है। सम्मा वाचा मतलब वो झूठ बोलना छोड़ देता है, चुगली करना छोड़ देता है, कठोर गाली वगैरह देना छोड़ देता है, प्रेम भाव से बात करता है। और चौथा आलतू फालतू बात नहीं करता है। इसके बाद वही सम्मा वाचा, और वो आलतू फालतू बात नहीं करेगा तो क्या चीज के बारे में बात करना चाहिए? ये चीज के बारे में, आराध्य वीर्य के बारे में बातचीत करना चाहिए। वीर्य आरंभ कथा, अल्पेच्छता के बारे में बात करना चाहिए। अल्पेच्छ मतलब हाँ हल्का जीवन, ज्यादा कुछ बंधन वगैरह नहीं है, ज्यादा दोस्ती नहीं, ज्यादा सामान नहीं, ज्यादा कुछ है तो ज्यादा दुख है, कम चीज है तो कम दुख है, ज्यादा दोस्त है तो ज्यादा दुख है, कम दोस्त है तो कम दुख, बड़ा परिवार है तो बड़ा दुख, छोटा परिवार है तो थोड़ा दुख, रूम बड़ा है तो दुख बड़ा है, रूम छोटा है तो दुख छोटा। रूम मतलब रूम का सामान, हॉल ले लिए तो आसान है। इसका संतुष्टि का था तीसरा, संतुष्ट के बारे में बातचीत करना चाहिए, जो कुछ मिलता है। इसका अविवेक कथा, विवेक से रहने के बारे में, विवेक मतलब पंच निवरण को हटा के रहने के बारे में बातचीत करना चाहिए। असंसर्ग कथा, अनासक्त के बारे में बातचीत करना चाहिए। असंसर्ग कथा, शील कथा, शील के बारे में बात करना चाहिए। समाधि कथा, समाधि के बारे में। प्रज्ञा कथा, प्रज्ञा के बारे में। विमुक्ति कथा, विमुक्ति के बारे में। विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा, विमुक्ति ज्ञान दर्शन के बारे में। दर्शन ज्ञान दर्शन अरहत। सम्मा कामांत, सम्मा कामांत मतलब सम्यक कर्मांत, वो है प्राण हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, विचार नहीं करना। इसका सम्मा आजीव, सम्मा आजीव मतलब अपना जीवन बहुत पवित्र ईमानदारी ढंग से अपना जीवन को चलाना, ईमानदार, डांडी नहीं मारना है, गलत बिजनेस नहीं करना है इत्यादि। समवायाम, समवाय मतलब वीर्य चार प्रकार का है ना, जो है वो पाप को मिटाना है, अभी तक जो उत्पन्न नहीं हुआ वो पाप को उत्पन्न नहीं देना है, अभी जो कुशल है पुण्य को बढ़ाना है, अभी तक जो समाधि वगैरह नहीं आया वो पाना लाना है। सम्मा साथी, सम्मा साथी मतलब
हर एक चीज के बारे में होश रहना चाहिए। कैसे होश रहना चाहिए? वो भी गंदगी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार होश में रहना चाहिए। सम्मा समाधि, ध्यान करके जो समाधि मिलता है, समाधि पाना चाहिए। इसी प्रकार रहने वाले व्यक्ति चार आर्य सत्य को प्राप्त करने की जो मेहनत करता है, उनके पास सात बोध्यांग धर्म बढ़ता है। देखिए सात बोध्यांग धर्म क्या है? पहला है चार आर्य सत्य अवबोध के लिए वो होश में रहने के लिए कोशिश करता है, वो पहला है सती सम्बोध्यांग। चार आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? दुख से मुक्त होने के लिए वो होश में रहता है निरंतर। चार आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए वो योनिसु मनसिकार करता है, योनिसु मनसिकार और बढ़ाता है, वो है धम्म विचय सम्बोध्यांग। चार आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए वो वीर्य करता है, वीर्य चार प्रकार के जानते हैं ना, वो है वीर्य सम्बोध्यांग। चार आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने से उनका मन में प्रीति उत्पन्न होता है। क्या करने से? कॉमेडी फिल्म देखने से, चार फूल लगाने से नहीं, चार आर्य सत्य के लिए मेहनत करता है ना, ऐसा मेहनत करने से प्रीति उत्पन्न होता है, वो प्रीति सम्बोध्यांग। चार आर्य सत्य के लिए ऐसा मेहनत करने से प्रीति उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का शरीर हल्का होता है, मन हल्का होता है, एकदम हल्का, एकदम रुआ जैसा, एकदम हल्का, वो है पांचवा सम्बोध्यांग। पूरा शरीर ठंडा ठंडा नो, मतलब मजा। चार आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए वैसा प्रीति उत्पन्न हो के पश्चाद उत्पन्न होने के बाद उनके पास समाधि उत्पन्न होता है। समाधि, चार आर्य सत्य प्राप्त के लिए मेहनत करने से वो उनका समाधि मन मध्यस्थ उपेक्षा में आ जाता है, न सुख में जाता है न दुख में, उपेक्षा में आ जाता है। ये सात बोध्यांग समझ गया ना, पहली बार सुना होगा, ये सात बोध्यांग धर्म प्राप्त होता है। पहले जैसा, पहले जो मैंने बताया ना मेहनत करना है, उसी प्रकार मेहनत करने वाले व्यक्ति पे, तो आप सभी लोग, हम सभी लोगों को भी इसी प्रकार संसार की खतरनाक बाढ़ वाले सागर से पार होने का भाग्य का पुण्य है।